नमस्कार, सुनीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं, हरे धनिए की चटनी। इसे आप चाट, पकौड़ी, स्नैक्स किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए ये कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं। आज हम हरे धनिए की चटनी बनाते हैं। ये देखिए, हरा धनिया हमने गमले में बोया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसकी हम चटनी बनाएंगे। हरे धनिए को हमने गमले से तोड़ लिया है। ये देखिए, आप अगर आपके यहाँ घर में हो तो वो भी ले सकते हैं और बाज़ार से भी हरा धनिया ले सकते हैं। ये देखिए, हमने इतना धनिया तोड़ लिया है, इसकी रूट हटा दी है और इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है, खूब अच्छे से इसको धो लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और आप ऐसा करें कि इसकी ये जो डंडियाँ होती हैं ये ज़रूर चटनी में डालें, इसको तोड़कर फेंके नहीं, क्योंकि असली स्वाद इसी डंडी में होता है। दो टुकड़े ये अदरक के लिए हैं, इसको हमने साफ़ कर लिया है, इसका छिलका हटा दिया है। 6 हरी मिर्च ली है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, जैसा आप तीखा खाते हो। सादा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये हमने 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, आप जीरा भूनकर भी इस तरह ले सकते हैं और बिना भुना हुआ दाने भी आप ले सकते हैं, जैसा आप चाहें। लेकिन आप इस तरह से भुना हुआ जीरा डालेंगे तो चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच ये रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं, ये आप डालिए, चटनी में स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसकी जगह जो है जिससे रायता बनता है बूंदी वो ले सकते हैं, या रोस्टेड चना दाल है वो भी आप डाल सकते हैं, जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 बड़े नींबू का रस लिया हुआ है, 2 बड़े चम्मच दही, 2 चुटकी हींग। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं, इसमें जो हरा धनिया हमने लिया हुआ है ये इसमें डालेंगे। अदरक, अदरक को हमने टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च, रोस्टेड मूंगफली के दाने, काला नमक, सादा नमक, भुना हुआ जीरा, नींबू का रस, हींग डालकर आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। दही, चटनी में आप दही डालकर ज़रूर बनाएं, इससे जो है चटनी का कलर हरा बना रहता है, चटनी बहुत ही देखने में सुंदर लगती है और स्वाद भी बढ़ जाता है, तो दही डालकर ज़रूर बनाएं। अब मिक्सी के जार को हम बंद कर देते हैं और इसका हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब चटनी को हम पीस लेते हैं। चटनी हमारी पीसकर तैयार है, खोलकर देखते हैं। वाह, ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है, कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है ये कलर। इस तरह से आप चटनी बनाएं, मुझे उम्मीद है कि ये चटनी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, इस तरह से आप चटनी बनाएं। चटनी जो है हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, कोई भी स्नैक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसके साथ चटनी की ज़रूरत पड़ती है, खाने के साथ भी आप खा सकते हैं। और इसको ऐसे भी आप किसी भी मठरी या किसी भी चाट के साथ इसे बनाकर खा सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है, आप इसे ज़रूर बनाएं। देखा आपने, हरे धनिया की चटनी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही चटपटी है। आप इसे इस तरह से जरूर बनाएं। और जो जो चीज़ें हमने डालकर बनाई हैं, जैसे हमने मूंगफली का दाना डाला है, आपको बताया है, उसकी जगह आप चने की दाल या आप जिसे रायता बनाते हैं वो बूंदी डालकर बनाएं तो इससे, और दही भी डालें तो इससे आपकी चटनी का कलर बरकरार रहेगा। और इसे लगभग 15-20 दिन के लिए आप फ्रिज में रख कर इसे खाएं, ये बहुत ही आसानी से चल जाता है और आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।